तो अगर आप कहीं भी कोई भी मान के चलिए आप एडॉक पे काम कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं है, और या आप गेस्ट तौर पर किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट पे, तो अगर आपकी उम्र है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कुछ भी उम्र है, और वो उम्र मान के चलिए 42 साल से ऊपर जा रही है, और फॉर्म में जो एज दे रखी है वो 42 साल तक की दे रखी है कि आप 42 साल तक ही आपकी जो उम्र है फॉर्म डाल सकते हैं। अब आपकी उम्र मान के चलिए 44 साल है, ठीक है, तो 44 साल की जब आपकी उम्र हो गई तो आप तो वो फॉर्म डाल नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपकी एज पूरी हो चुकी है। तो इस चीज़ को HSC ने समझा, हाई कोर्ट ने समझा, ऑनरेबल हाई कोर्ट कहूँ तो, ठीक है, उन्होंने समझा और इस पर एक निर्णय लिया। उन्होंने निर्णय कुछ इस तरह से लिया है कि अब आपके लिए घबराने की बात नहीं, जितने साल आपको सर्विस में करते हुए हो गए हैं उतने प्लस आपको एज की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं आज आपकी उम्र है 42, मान के चलें आपकी उम्र है 45 साल, ठीक है, 45 साल आपकी उम्र है, और एज की जो रिलैक्सेशन, जो एज रखी गई है फॉर्म की, वो रखी गई है 17 से 42 साल कि 17 से 42 साल के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे हम उन्हें सिलेक्शन देंगे। तो 17 से 42 साल रखी गई है, मगर आपकी एज हो चुकी है 45 साल, मगर आपको काम करते हुए वक्त हो गया है 4 साल किसी भी डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में, तो जो 4 साल हैं वो 42 प्लस 4 करेंगे आप तो वो 46 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप 46 साल के भी होते तो भी आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा समझाने की मैंने कोशिश की इसमें। मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि डेट बदल दी गई है इसके रिगार्डिंग नोटिस है, और उसी के साथ में एक कोरिगेंडम किया गया है कि रिलैक्सेशन इन द एज ऑफ एडॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चेंज डेली वेजेस आउटसोर्स एम्प्लॉयज, या फिर कोई भी हो, आप आउटसोर्सड हो, वर्क चार्ज्ड हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, एडॉक हो, आप सभी को बेसिकली रेगुलर रिक्रूटमेंट में अब एलिजिबल होंगे आप लोग। जितना भी काम आपको जितना भी समय आपको काम करते हुए हो गया है, ठीक है, वो आपके एडिशन हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा मैं नोटिस को पढ़ लेता हूँ, क्या कहता है नोटिस। आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट यूर अटेंशन ऑन द सब्जेक्ट नोटेड अबव से दैट ऑनरेबल हाई कोर्ट इन केस ऑफ CWP 172/06 ऑफ 2014, केस का टाइटल था योगेश त्यागी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, राइट। तो इसमें ग्रांट की गई थी रिलैक्सेशन एज की, क्योंकि वो एडॉक पर काम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे थे, वो डेली बेसिस पे काम कर रहे थे सरकार के लिए, ठीक है, तो इसलिए सरकार को बेसिकली यहाँ पर छूट देनी पड़ी। तो अब इसके लिए देखिए क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, छोटा सा क्लैरिफिकेशन यहाँ से जो रखा गया है, चलिए कोई नहीं। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट वंस अ पर्सन इज सिलेक्टेड इन रेगुलर अपॉइंटमेंट अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन इन एज, ही शी विल नॉट बी एंटाइटल अवेल सच बेनिफिट अगेन। अगर वो एक बार ये बेनिफिट ले लेता है तो फिर वो कच्चा कर्मचारी नहीं बचा और वो फिर पक्का हो गया, तो दोबारा से वो इसको अवेल नहीं करा सकता, पहली बात। और दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट थी, द रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज, यहां से पढ़ना स्टार्ट करिए, यहां से द रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज विल बी एडमिसिबल इक्वल टू द पीरियड ही हैज वर्कड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। तो अब आप अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छा नोटिस है। नोटिस अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर लग रहा हो कि हम क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।